हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास टेंथ का भौतिकी, और आज हम लोग करेंगे मानव नेत्र के ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ का पार्ट टू। इससे पहले हमने पार्ट वन कर दिया है, ठीक है। और हम क्या कहते हैं कि अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से अभी क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होंगे, क्योंकि हम 30 से 40 नहीं 50 से 60 क्वेश्चन कराते हैं एक चैप्टर से, जिसमें जितना क्वेश्चन निकलने वाला होता है टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पार्ट वन इसका नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए। और सुनिए, उसमें हम एक क्वेश्चन भी दिए हैं, जो लोग क्वेश्चन का आंसर दिया उसका नाम भी हम अंत में लेंगे, ठीक है। और इसमें भी एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, तो ध्यान से देखिए, एकदम बने रहिए। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, स्क्रीन शॉट लेना है। चल ले लीजिए स्क्रीन शॉट ले लिए, उसके बाद जिस तरह सभी वीडियो में करते हैं आप लोग खुद से टिक करते हैं, खुद से टिक कीजिए, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, ये थोड़ा दिक्कत है। कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है, समझे। टिक कीजिए और बताइए, हम जब टिक करेंगे तो बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आया। हमने इससे पहले वाला वीडियो में 30 क्वेश्चन कर दिया, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है। अभी और लिखेंगे, इतना ही नहीं है, अभी और लिखेंगे, और बने रहिए, देखते रहिए, एकदम मजा आ जाएगा, देखिए ध्यान से। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रैफिक सिग्नल में प्रकाश का कौन सा वर्ण होता है? ट्रैफिक सिग्नल में प्रकाश का कौन सा वर्ण होता है? सबको मालूम है कि लाल बत्ती क्या, तो कौन सा वर्ण होता है? लाल होता है। आइए आगे आइए, ध्यान से आप लोग लगा लिए होंगे अभी तक, ठीक है। नहीं लगाया तो एक बार और मौका है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से टिक कीजिए। 1 2 3 4 5 स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए ध्यान से, आइए। मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र होता है, मानव के दोनों यानी कि एक आदमी जो है दोनों आंख से कितना डिग्री तक देख सकता है? तो भाई आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे, कितना डिग्री तक, इससे आगे इससे पीछे, देखिए ये इससे आगे और इससे पीछे, तो आगे का पूरा देख सकता है, तो कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। चलिए आगे आइए, अगला देखा जाए। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग, यानी कि एक आदमी जो है एक आंख से कितना डिग्री तक देख सकता है? तो कहिएगा 90, नहीं सर 90 नहीं, सुनिए, दो आंख से 180, एक आंख से 90 नहीं, एक आंख हम बंद करेंगे थोड़ा ही बंद होता है, यानी लगभग 30 डिग्री बंद होता है, ठीक है। तो 150 डिग्री हम एक आंख से देख सकते हैं, कितना डिग्री? 150 डिग्री। समझ में आ रहा है? बढ़िया, आप लोग लगा रहे हैं, सही हो रहा है आप लोग नहीं, फिर से मौका भाई, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से टिक कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन क्या, प्रकाश के छोटी तरंग दैर्ध्य के वर्ण का प्रकीर्णन, छोटी तरंग दैर्ध्य जो होता है उसका वर्ण का प्रकीर्णन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आप लोग परिभाषाएं पढ़े होंगे चैप्टर 3 में, परिभाषाएं पढ़े होंगे प्रकाश के प्रकीर्णन में, पढ़े कि नहीं पढ़े? वायुमंडलीय परिवर्तन में नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या होता है? अधिक, सबसे अधिक होता है, तो अधिक होता है। आगे आइए, प्रकाश के बड़ी तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन, बड़ी तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन, तो बड़ी का छोटी छोटा होगा ना, क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। लगाए हैं, लगाए आप लोग, आगे स्टार्ट किया जाए, अगला देखा जाए, सही है आप लोगों का, पक्का विश्वास कर लिया जाए कि सही है? चलिए आगे आइए, विश्वास कर ले, हो गया हम लोगों को। आगे ही, अत्यंत सूक्ष्म कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण होता है, यानी कि सुनिए, एकदम छोटा से छोटा कण कण द्वारा प्रकीर्णन यानी जो प्रकाशित करता है, जो प्रकाश निकलता है वो क्या होता है? सुनिए ध्यान से, लाल, हरा, श्वेत, नीला, उजला या नीला, यानी कि सब छोटा कणों द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे प्रकाश निकलता है, तो वो कैसा निकलता है? एकदम छोटा ना, एकदम छोटा, तो कैसा निकलता है? नीला, ठीक है। प्रकाश का वर्ण जो होता है वो नीला होता है। आगे आइए, प्रकीर्णित मतलब जो निकलने के बाद जो दूसरे में वस्तु को प्रकीर्णित कर दिया, प्रकाशित कर दिया, ठीक है, वो कैसा दिखेगा? तो नीला दिखेगा, क्योंकि बहुत छोटा है, वही बहुत बड़ा होता ना, जैसे बिजली का बल्ब बहुत बड़ा होता तो सिर्फ उजला ही उजला दिखाई देता ना, यही दिखिया ही दिखे। यदि प्रकीर्णन करने वाली कणों का आकार बहुत बड़ा हो तो प्रकीर्णित प्रकाश प्रतीत होता है, यानी प्रकीर्णित यानी किसी पर पड़ा हुआ प्रकाश कैसा दिखाई देगा? तो श्वेत दिखाई देगा, श्वेत मतलब उजला। ये दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बढ़िया से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये देखिए, छोटा कण हो अगर उससे प्रकाश निकले ना तो नीला किसी वस्तु पर, अगर बड़ा हो कणों का कण अगर बड़ा हो उससे अगर प्रकाश प्रकीर्णित हो, उससे प्रकाश अगर निकले प्रकीर्णन हो उससे हो और दूसरा वस्तु प्रकीर्णित हो तो कैसा? श्वेत, क्योंकि बहुत बड़ा है तो अगला वस्तु कैसा दिखेगा? सिर्फ उजला ही उजला दिखाई देगा, ठीक है, श्वेत। आगे आइए, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों का आकाश कैसा प्रतीत होता है?
यानी देखिए अत्यधिक यानी इसको ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में उड़ता हुआ यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, कैसा अत्यधिक ऊंचाई, यानी ये भी कर सकते हैं अंतरिक्ष में भी, दोनों क्वेश्चन आ सकता है। नोट कर लीजिए, कॉपी निकाली नोट कीजिए भी कि ये तो नोट करवे कीजिएगा अत्यधिक ऊंचाई पर, और नोट कर लीजिए कि अंतरिक्ष पर उड़ता हुआ यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है, तो कैसा बताइए, काला, कैसा काला आ गया, कहा गया काला 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 आ गया। रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, तो सभी को मालूम है कि पक्ष माभि पेशिया, पक्ष माभि पेशिया नहीं, गलत 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 गलत, पक्ष माभि दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका पहुंचाता है ना हमारे मस्तिष्क तक, जो हम देखते हैं वो, ठीक है, सम्मंजन क्षमता होता है, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उल्टा देखते हैं, लेकिन हमें जो अंदर जाके क्या होता है, प्रतीत होता है, फिर हम उस वस्तु को सीधा देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है हमारे अंदर, आंखों के अंदर हमारे अंदर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है यानी उल्टा, लेकिन सम्मंजन क्षमता होने के कारण हम किसी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। आगे आइए, एक नेत्र से संसार कैसा दिखता है, द्वि आयामी, त्रि आयामी, बहु आयामी, तो एक आंख से वस्तु जो दिखता है द्वि आयामी दिखता है, कितना, द्वि आयामी दिखता है, एक आंख से वस्तु जो है एक नेत्र से कैसा दिखता है, द्वि आयामी, आप लोग लगाए हैं पक्का, चलिए आगे। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता, सो बताइए, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता, आप लोग बताइए प्लीज, कमेंट कर लीजिए, अभी कमेंट कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए कि सर 41 का आंसर 41 लिख करके ए बी सी कमेंट कीजिए, हम कमेंट पढ़ेंगे, अगला वीडियो जरूर बताएंगे, ठीक है, अभी कमेंट कर लीजिए, पहले कमेंट कीजिए, नहीं कीजिएगा चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसा काला, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो कैसा दिखता, काला दिखता, ठीक है। चलिए आगे, प्रकाश आकाश, मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने समय के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए, मृत्यु दान करने के लिए अगर हमको नेत्र निकालना हो, किसी कोई अगर व्यक्ति मर जाता है ना और उसका नेत्र हमको दान करना है, तो मृत्यु के कितने देर के बाद हमको उसका नेत्र जो है निकाल लेना, यानी कितने देर तक, कितने देर के बाद जो है निकाल लेना चाहिए ना, तो 4 से 6 घंटे के बाद, या 6 से 8 या 8 से 10 या 10 से 12 घंटे के बाद, तो 4 से 6 घंटे के बाद हम लोगों को उसके आंख को निकाल लेना चाहिए, तभी वो यूज में आ सकता है, वह खराब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखा जाए, चलिए कह रहा है कि मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है, सुनिए, मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है, तो निकट बिंदु, दूर बिंदु, अंध बिंदु, पीत बिंदु, कौन आंसर बताइए आप लोग, क्या लगाए आप लोग, क्या लगाया आंसर, पीत बिंदु, सही है। चलिए आगे आइए और सुनिए क्वेश्चन, और लिखिए कॉपी नोट, कॉपी ले लिए हुए हैं, नहीं लिए हुए, देखिए आप लोग शुरू से बार बार यही कहते हैं कि आप लोग प्रत्येक विषय का, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, हिंदी, संस्कृत, सबका आप लोग कॉपी एक एक खरीद लीजिए, ठीक है, और गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को, भाई हम बार बार कह रहे हैं गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक चैप्टर से इतना क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो गाइड क्या है, हम लोग तो खुद गाइड लिख लेंगे, क्या गाइड करने की आवश्यकता क्या होगी, और अभी से ही प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, अभी से ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और जब भी समय मिले आधा घंटा एक घंटा, तो एक बार कॉपी को देख लिया कीजिए, ठीक है, हमेशा याद रहेगा। बहुत बच्चा कहता है कि सर याद कर लेते हैं भूल जाते हैं, एक ही वो तरीका है कि बार बार देखिए, कहिए आगे पप्पा बोलना, मम्मी बोलना, एक दुकान नहीं बोलते हैं, क्योंकि बार बार उसको लिखते हैं, तो इसी प्रकार इसको बार बार मत लिखिए, एक बार अगर लिख लीजिए जब भी समय मिले, तो पिछला वो एक महीना हो गया उसको देखा हुआ, उसको एक बार देख लेते हैं ना, पिछला एक बार हो गया एक महीना देखा उसको देख लेते हैं, तो बार बार देखते रहिए उसको, अपने याद हो जाएगा वो सब चीज़, ठीक है, यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है याद करने का, ठीक है, याद किया हो हम भी भूल सकते हैं, लेकिन बराबर उसको रेगुलर में अगर यूज करते रहिए तो वो नहीं भूल पाते हैं, ठीक, बार एक बार किसी दोस्त से मिलिए, एक साल बाद याद कीजिएगा, नहीं याद रहेगा, क्यों नहीं, क्योंकि एक ही बार मिले, एक महीना दो महीना बाद, और उससे बार बार मिलेंगे तो उसका नाम, चेहरा, सब कुछ फोटो बन जाएगा, तो वही बात है, बार बार इसको देखिए, जो भी एबिलिटी क्वेश्चन है, सब्जेक्ट क्वेश्चन है, मैथ बनाते हैं आप लोग, जो भी मैथ बनाते हैं उसको बार बार बनाते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मानव, ये तो हो गया, हाँ एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन नोट कीजिए, मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है, सुग्राही नहीं होता है, तो अंध बिंदु लिखिए आंसर, ठीक है, मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही नहीं होता है, तो अंध बिंदु लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, निकट बिंदु, सॉरी, हाँ देखिए, कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं,
कांच के प्रिज्म में, ये तो सबको मालूम होगा कितने प्रिज्म होते हैं, बताइए कितने होते हैं, कितने, पांच। चलिए आगे आइए, पांच, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो प्रिज्म कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। चलिए आगे आइए, आगे देखा जाए, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, बताएंगे आप लोग आंसर कितने, नहीं बताइएगा पक्का, आ चलिए कमेंट कीजिए, तो 40 नंबर लिख के डैश देकर कमेंट कीजिए, तो ये बी सी 40 नंबर देख करके, वो तो क्वेश्चन नंबर हमने 41 पूछा था, एगो 46 जरूर पढ़ेंगे कि कौन कौन बच्चा जवाब दिया देखने से पहले, और तो हम बता देंगे तो आप फिर कमेंट कर लीजिएगा, तो समझ रहे ना, तो वो हमको थोड़ी ठगेगा। चलिए तो कितने होते हैं, सात होते हैं। अभी रुकिए 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 रुकिए, मत जाइए मत जाइए, अभी रुकिए अभी रुकिए, अब सुनिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है 46, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 55 तक लिख दिया है, अब क्या करना आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट, अब बताना है आप लोगों को कितना मार्क्स आया, 31 से लेकर के 55 के बीच में आप लोगों को कितना मार्क्स आया, 25 क्वेश्चन हुआ, ठीक है 25 में बताइए कितना मार्क्स आया, पहले इसको खुद से ठीक कीजिए और सुनिए, अभी अभी बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तीन बच्चों ने दिया है, ठीक है, और किसका सही वो बताएंगे, ठीक है, एक है ओम प्रकाश, एक है रेखा कुमारी, एक है अनिकेत कुमार, ठीक है, तो हम बताएंगे किसका आंसर सही हुआ, ठीक है, तीन बच्चे ने जवाब दिया था। चलिए आगे आइए, ध्यान से देखिए, चलिए अग्रिम सूर्योदय और विलंबित लेट सूर्यास्त का कारण क्या है, पहले सूर्य उदय होने का और देर से सूर्यास्त होने का कारण क्या है, सो बताइए आपको क्या है, वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो क्या लगाए हैं आप लोग, वायुमंडलीय परिवर्तन, इसमें भी क्वेश्चन देंगे, टेंशन मत लीजिए, चलिए यहां देंगे, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग कितना होता है, लगभग कितना, एग्जैक्टली नहीं, लगभग आधा मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, पांच मिनट, कितना होगा, तो आप लोग क्या लगाए हैं आंसर, कितना लगाया है, दो मिनट। चलिए बहुत आइए आगे आ जाए, अंतरिक्ष यात्रा को, सॉरी 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 सॉरी, अंतरिक्ष यात्री को, ये क्वेश्चन हमने बोला था लेकिन हम सोचिए कि आप लोग नहीं लिखिएगा, इसलिए हम लिख देते हैं, अब नोट्स में जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, मतलब ऊंचा, ठीक है, अंतरिक्ष में जो यात्री था उसको वहां से देखने पर आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो आप लोगों को हम बताए थे काला प्रतीत होता लगा है। चलिए आगे देखिए, इसको आप लोग टिक किया कि टिक कैसे बताइए, टिक किया है, चलिए तो बहुत अच्छा टिक किए हैं, तो आइए, प्राथमिक इंद्रधनुष का सबसे ऊपरी भाग का रंग कैसा होता है, तो सभी को मालूम होगा कैसा होता है, ये क्वेश्चन आने दीजिए आप लोगों के लिए पक्का। चल तो प्राथमिक इंद्रधनुष का सबसे ऊपरी भाग का रंग कैसा होता है, लाल, बैंगनी, नीला, काला, तो आप लोग इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, तो हम आगे आएंगे चैप्टर 4 लेकर के, तो आप लोगों का नाम लेंगे कि कौन विद्यार्थी इसका जवाब दिया है, तो चलिए आइए ध्यान से, क्या है, एक मिनट, हमारे मस्तिष्क में दृष्टि के दीर्घता का समय अंतराल होता है, कोई भी वस्तु को हम देखते हैं तो कितना समय तक वो जो है हमारे वस्तु जो है उसको मतलब वो हमारे मस्तिष्क में सम्मंजन क्षमता में टिक पाता है, कितना समय तक, तो 1/16 सेकंड ना, दृढ़ता मतलब देखने की क्षमता कितना सेकंड में होता है, तो 1/16 सेकंड में। आइए आगे देखा जाए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका, आप लोग पढ़े होंगे भारतीय भवन में भी है ये लाइन कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का उपयोग करते हैं, चलिए भारतीय भवन में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है आगे आइए, एनसीईआरटी में भी है क्या, आगे देखिए आप लोग ब्रिलियंट पढ़ रहे हो तो ब्रिलियंट बुक में भी है क्या, समझे, कोई भी बुक पढ़िए ना भाई, सभी बुक से कंबाइंड है, ठीक है आगे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सभी को मालूम है, बताया जाए कितने रंग होते हैं, बताइए, आइए, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, ये तो बउवा वाला क्वेश्चन था, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, दोपहर के समय में सूर्य कैसा प्रतीत होता है, तो ध्यान से देखिए, नीला, हरा,
पीला और श्वेत, तो दो पर के समय एकदम श्वेत उजला। हाँ आगे आइए, ध्यान से देखिए, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है किस प्रकार होती है, तो आयताकार, वृत्ताकार, गोलाकार या त्रिभुजाकार। बहुत लोग सोचते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार भाई चक्का की तरह होता है, तो आंख चक्का का तो होता है, गोलाकार मतलब बॉल। वृत्ताकार गोलाकार में बहुत अंतर है, गोलाकार जो होता है एकदम बॉल होता है, वृत्ताकार जो होता है चक्का की तरह होता है, ठीक है समझे। तो ये हो आपका गोलाकार। अभी रुकिए 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 रुकिए, आज हम लोग इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, इस चैप्टर भी समाप्त हो रहा है चुका, तो एकदम मुस्कुराते हुए क्या कीजिए इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है समझे, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, सुनिए। अब बताते हैं आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, क्लास टेंथ के स्टूडेंट के साथ ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को सभी को हेल्प हो सके, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन जो हम पूछे उसका जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। और सुनिए, ध्यान सुनिए, अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास टेंथ के प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। चैप्टर एक से लेकर चैप्टर पांच पांच तक के सभी चैप्टर का हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और लिखा होगा गणित ऑब्जेक्टिव, भौतिकी ऑब्जेक्टिव, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव, इतिहास ऑब्जेक्टिव, भूगोल ऑब्जेक्टिव, सारे का ऑब्जेक्टिव बन रहा है। और एक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन, दस नहीं, एक चैप्टर से कम जिससे कितना पचपन क्वेश्चन आया, तो बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जिससे 60 क्वेश्चन मिली है, 64 क्वेश्चन भी, बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जिससे 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन, इस प्रकार। और चैप्टर टॉपिक वाइज क्वेश्चन, आप लोग किताब नहीं भी पढ़े ना फिर भी आप लोगों को तैयारी हो जाएगा, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और सभी लेक्चर में इसी प्रकार क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, जो बच्चे जवाब देते हैं उनका नाम लेता हूं, सुनिए, जो आंसर जो था वो सही हुआ है रेखा कुमारी का और अनिकेत कुमार का, ओम प्रकाश का आंसर गलत है, ठीक है। हम आंसर क्यों नहीं बता रहे कि आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, क्या आप लोग भी कमेंट कीजिए उस आंसर को जाकर के, ठीक है। देखिए क्या है, वीडियो लेक्चर देखिए, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक है, ठीक है। और अगला जो आने वाला है पार्ट फोर यानी चैप्टर फोर, उसको ऐसे तो एंसर में चैप्टर थ्री है लेकिन भारतीय भवन में चैप्टर फोर है विद्युत धारा, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, तब तक क्या करते रहिए, लेकिन जरूर विजिट कीजिए चैनल पर, ठीक है। गाइड खरीदने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझे, ये हम गारंटी दिलाते हैं, ठीक है। अभी से प्रॉपर नोट्स बनाना से स्टार्ट कीजिए, अभी अगस्त है, आज है 24 अगस्त, ठीक है, अभी अगस्त है, हम नवंबर तक के बोले हैं कि पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज एक एक विषय का, एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म, ऑब्जेक्टिव जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, मॉडल सेट बनाएंगे और गेसिंग, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सवाल सारा गेसिंग करेंगे उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको रिविजन कीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, कॉल द वेरी